नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप है किसान पाठशाला पर। आज मेरे साथ राजस्थान की टीम आई हुई है। और नमस्ते ज्ञान सिंह जी। नमस्ते सर। आइए कुछ मैं दिखाता हूँ जो हम सेल्फ और हेल्प के तहत आगे बढ़ रहे हैं पूरे भारत में। भारत के अलावा वर्ल्ड वाइड भी हम जा रहे हैं। जहाँ पर भी बैरन लैंड है या जहाँ पर भी पहाड़ियाँ खाली है, वहाँ पर हम हरियाली कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री आपको दिखेगी, इस बाउंड्री के आगे से हमने यहाँ बोरलाई ग्राम पंचायत के थ्रू मिल करके एक सेल्फ और हेल्प वाला प्रोग्राम रन किया है। आप नीचे तक देखेंगे तो हमने एक्चुअली ये उनसे आवंटन लिया था 50 एकड़ का, लेकिन हमने खाली ज़मीन थी तो 100 एकड़ में प्लांटेशन कर दिया है। ठीक है, तो पूरा ही जंगल की निर्मित की हुई है। आपको पूरा समझ में आएगा कि जंगल कैसे बनता है। एक्चुअली जब जब पेड़ पौधे कट जाते हैं, जैसे सामने की पहाड़ी में दिखाऊं आपको, पेड़ पौधे कट जाते हैं तो मिट्टी बहना चालू होती है और पत्थर बचता है केवल। और आगे आप देखोगे वो जो पीपे वगैरह सब चल रहे हैं वो स्टोन क्रशर है, खनन होना चालू हो जाता है। एक्चुअली कलेक्टर को दिखता है कि यहाँ पर पत्थर है और निकाल लो और इससे विकास कर लो। तो विकास पत्थर निकालने से नहीं होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है और पेड़ पौधे लगाने से शायद प्रकृति का विकास होता है। तो हमने ओटू पार्क, बी किसान की टीम, रेवा फ्लोरा की टीम ने मिल करके ये हरियाली करना चालू किया है। और ये प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं सेल्फ और हेल्प में ओटू के वेंचर से। आपको मैं पहले दिखा देता हूँ, इसकी पूरी प्रक्रिया भी समझाता हूँ। हमने ये पूरे 100 एकड़ में अलग अलग पैच लगाए हैं और इसमें पूरे में ड्रिप डाल के रखी है। ऐसे ही चल नहीं पड़ेगा कि हर साल 1 जुलाई को कलेक्टर के पास पौधे आ गए हैं, कलेक्टर जी को आदेश हो गया ऊपर से कि आपको 1 करोड़ पौधे आपके जिले में लगाना है, तो जुलाई 15 तारीख तक लग गए, उसके बाद में उन पौधों का क्या होगा? अक्टूबर 15 तारीख तक आधे चपेट में आ जाएंगे और 2 फरवरी तक 1% बचेगा। अगर ये आपने ड्रिप इरीगेशन नहीं किया है, ये आप देखो डीपर लगे हुए हैं, तो आपके पेड़ पौधे बचेंगे कैसे? मतलब ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इस 100 एकड़ को डिजाइन करने में 70 लाख का खर्चा आया है, तब जाकर के ये 100 एकड़ हरा भरा दिख रहा है। एक बार जब यहाँ की मिट्टी बह जाती है तो उसके बाद ये जो घास दिख रही है ना, ये घास चाहिए। ये घास जितनी बड़ी होगी, कट के डल होगी, नीचे गिरेगी, बड़ी होगी, कट के डल होगी, नीचे गिरेगी, तो यहाँ दीमक आएगी। और दीमक आएगी तो इस कचरे को खा करके वो दीमक मिट्टी बनाएगी। पूरी दुनिया में मिट्टी फास्ट बनाने का एक ही तरीका है, दीमक को इनवाइट करो। आपके पहाड़ों से दीमक चली गई है, पेड़ पौधे चले गए हैं, मिट्टी चली गई है, तो आपको पानी देने की व्यवस्था करना ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर पानी देने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आपने नंबर बढ़ा लिए 1 जुलाई को, उसके बाद में क्या करोगे? पौधा मरना है। किताबी ज्ञान में आ गया है हर साल पूरे भारत के हर जिले में वृक्षारोपण होता है, लेकिन वृक्ष टिकते कितने हैं वो मुद्दा है। हाँ, एक मित्र को संभालेगा, आइए। मेन जो चीज है मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान में रेगिस्तान को रोक करके पुनः राजस्थान की निर्मिति करना, तो जितनी ग्राम पंचायतें हैं हम सबके साथ जा सकते हैं, उन तक मैसेज केवल पहुंचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये सारा अगर दिखाएंगे आप तो ये समझ में आएगा कि अब ये जंगल बन रहा है। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये बांस का पूरा स्ट्रक्चर है। नीचे की पूरी तलहटी जो है वो बांस की है। इस तरफ कहीं आंवला है, कहीं नीम है, कहीं करंज है, ऐसे अलग अलग तरह की वैरायटी के लगाए हैं। ज्ञान सिंह जी, अब मैं आपको वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ जिससे हम राजस्थान की हर पंचायत तक पहुँच सकते हैं जी सर, रेगिस्तान को रोक सकते हैं। जिस भी ग्राम पंचायत के पास 50 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़ जमीन है जो बैरन है, जो उस ग्राम पंचायत के काम में नहीं आ रही है। आप इस तरफ आ जाओ, लाइट आएगा आपके। जी जी बिल्कुल, आपका भी सही। उन जमीनों के लिए हमारा प्रपोजल ये है कि हर सरपंच को राइट है कि वो अपने ग्राम पंचायत का विकास करे। बिल्कुल सर, छोटी सी शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा देश को हम बचा लेंगे ऐसी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, अपने घर से स्टार्ट करते हैं उसको पहले। हर ग्राम पंचायत, हर सरपंच के पास राइट है, इसको तीसरी सरकार बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वो
हर गांव में ग्राम सभा लगती है, उसमें गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति आते हैं और आपसी सहमति से एक डिसीजन लेते हैं, उस पर सरपंच की सील साइन होती है और वो काम आवंटन में पास होता है। मैं पूरी पब्लिक के सामने एक ये प्रोटोकॉल बतला रहा हूँ कि आप खुद अपने गाँव में जा करके ये कर सकते हैं, इसमें कोई इब बट नहीं है। मैं महाराष्ट्र के कई सारे गाँव में हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उदाहरण दूं, आप कौन से गाँव से हैं? ग्राम करोल डिस्ट्रिक्ट के गढ़मुरा गांव से। गढ़मुरा गांव, तो गढ़मुरा गांव से आप खुद अपनी पहल कीजिए, गढ़मुरा गांव के सरपंच से मिलिए, गांव के किसानों से मिलिए, पब्लिक से मिलिए, उनको एकत्रित करके ये बताइए कि अगर हमारे ग्राम पंचायत में 5 एकड़, 10 एकड़, 100 एकड़, 1000 एकड़ जितनी भी जमीन है, बैरन लैंड जो किसी काम में नहीं आ रही है, काम नहीं आ रही जिसका, उसमें हम हरियाली करके ग्राम पंचायत के लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया सेल्फ और हेल्प। सेल्फ और हेल्प, ठीक है जी सर। इसके तहत हम हर ग्राम पंचायत को सेल्फ सस्टेनेबल बना रहे हैं। हमारे ऑक्सीजन पार्क का मेन एम क्या है? H2E2, सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। पहले उस बैरन लैंड में हम बैम्बू लगाएंगे। अगर ग्राम पंचायत के पास पैसा है तो हम उसको एडवाइस देंगे, बिल्कुल गाइडलाइन देंगे, बिल्कुल, और पूरा प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग तक का नॉलेज देंगे एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें एक रुपया नहीं चाहिए, आपके पास पैसा है आप करो, हम आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू। आपके पास 50 एकड़, उदाहरण बता रहा हूँ मैं जी सर, एक गांव के पास 200-500 हजार एकड़ होती है, लेकिन मैं एक 50 से 100 एकड़ का उदाहरण दूं कि अगर 50 एकड़ आपकी ग्राम पंचायत के पास जमीन है, आपने बैम्बू लगाया जी सर, ठीक है, तो लगाने का खर्चा 1 एकड़ में 1,00,000 रुपये का होता है जी सर। मैक्सिमम 50 एकड़ में आपने पहले साल 50,00,000 रुपये का निवेश किया, तीसरे चौथे साल वो रिटर्न देना चालू होगा, अगले साल 30,000, अगले साल 30,000, ऐसे फिर केवल मेंटेनेंस लगेगा, पौधा ड्रिप वगैरह सब आ गई। तो ये मोटा मोटा आपका 1 CR का खर्चा हुआ 50 एकड़ में 3 साल में। हाँ जी, चौथे साल से वो रिटर्न देना चालू होगा, तो मिनिमम 1 एकड़ 50,000 देना चालू होगा। आप पोल काट करके डायरेक्ट भेज दो, हम आपको मंडियां दिखा देंगे। पोल काटने नहीं आता तो हमारी टीम भेज देंगे कैसे काटो। दूसरा, उसके पैरेलल अगर इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो 50 एकड़ में इंडस्ट्री लगेगी नहीं, 100 एकड़ के ऊपर इंडस्ट्री लगेगी, तो O2 खुद सपोर्ट करेगा आपको इंडस्ट्री लगवाने में। आपकी ग्राम पंचायत सक्षम है इंडस्ट्री लगा सकती तो लगाइए, वरना हम आकर इंडस्ट्री लगाएंगे, आपसे वो बैम्बू बायबैक एग्रीमेंट कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एकदम सरल शब्दों में छोटी सी बात में बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब उस ग्राम पंचायत का कैसे विकास हो रहा है? अभी तक वहां पर बंजर जमीन पड़ी थी, कोई काम नहीं आ रही थी, कोई काम में नहीं आ रही थी। बिल्कुल, आपने वहां पर वर्किंग किया जी सर, आपने O2 को इनवाइट किया, सेल्फ और हेल्प में हमसे प्लान लिया, एंड टू एंड सोल्यूशन लिया। बिल्कुल सर। दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी पंचायत के पास 1 रुपया नहीं है। बिल्कुल सर। केवल जमीन है, ठीक है, तो O2 और आपका गांव का नाम क्या बताया? गढ़मुरा। गढ़मुरा का एक ज्वाइंट MOU साइन होगा, ठीक है सर, O2 पार्क एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का और आपके गढ़मुरा का एक ज्वाइंट एग्रीमेंट साइन होगा, ठीक है, ये बैरन लैंड है, इसमें सारा खर्चा O2 लगाएगा, ठीक है सर, ठीक है, खर्चा लगाकर खड़ा करके देगा, ठीक है सर। तो इसमें सिस्टम जाएगा 50-50 का, 50-50 मतलब आपकी जमीन, आपका पानी आपने बाउंड्री करके दे दिया है, बाकी आपको आ करके वहां पर विचरण करना है, देखना है क्या काम हो रहा है, बाकी सारा काम O2 करेगा, पौधे, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, बिजली बिल, सब कुछ हम करेंगे, प्लान तैयार होगा, उसके बाद जो बैम्बू बिकेगा, अब वहां से थर्ड एंटिटी आ गई, ठीक है सर, तो वो कम से कम हमें 100 एकड़ चाहिए तो इंडस्ट्री आ सकती है। बिल्कुल। अब 100 एकड़ में हमने सारा खर्चा किया 3 साल तक, चौथे साल उसमें से इनकम आई, तो पहले जो खर्चे किए वो निकलेंगे, उसके बाद में जो निकलेगा उसमें आपकी ग्राम पंचायत और O2 का 50-50 का रेशो रहेगा, ठीक है सर। अब वहां पर 1 एकड़ में से हम जो मॉडल बना रहे हैं, 1,00,000 रुपये का नेट प्रॉफिट निकालने का मॉडल बना रहे हैं, ठीक है सर, 100 एकड़ में चौथे साल से 1 CR का रेवेन्यू जनरेट होना चालू होगा। बहुत बढ़िया। और उस ग्राम पंचायत में चौथे साल, पांचवें साल इसकी इनकम बढ़ती जाएगी, तो मोटा मोटा मिनिमम 100 एकड़ में 50,00,000 रुपए पांचवें साल से उस ग्राम पंचायत में फ्री के आना चालू होंगे। थैंक यू सर। जो उस बैरन लैंड से निकलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको O2 जिस तरीके से जंगल डेवलप करके करेगा, बहुत अच्छा विकास हो जाएगा। अब ये एक वर्टिकल बनाया कि हम केवल उस जमीन पे बांस लगाएं और उस बांस को काटकर बेच दें। बिल्कुल। अब अगर आपकी ग्राम पंचायत सपोर्ट करती है कि नहीं, हमारे गांव में रोजगार जनरेट करना है, यहाँ पर इंडस्ट्री लेके आओ, ठीक है सर, तो O2 क्या करेगा, उस 100 एकड़ जमीन के पीछे उसकी कैपेसिटी के मुताबिक इंडस्ट्री लगाएगा। अगर वहां के गांव वासी कहते हैं कि हम हमारे खेतों में भी बांस लगाएं,
ठीक है, तो हम फिर उस इंडस्ट्री का साइज बड़ा करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री हम कौन कौन सी लेकर आ रहे हैं? पैलेट इंडस्ट्री, ब्रिकेट्स इंडस्ट्री, चारकोल इंडस्ट्री, टिश्यू पेपर की इंडस्ट्री। ठीक है सर, ये सबसे आसान और 2-5-10 करोड़ में लगने वाली इंडस्ट्री है। ठीक है सर, बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री, पावर प्लांट वाली जी। ठीक है, ये सब ऐसी इंडस्ट्रियां हैं कि जस्ट बांस काटो, चिपिंग करो और इसको काम में ले लो। इसमें कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लग रहा है, बहुत नॉर्मल से चीज। छोटा सा मैं अगर बताऊं आपको, पैलेट इंडस्ट्री, आज भारत में कोयले को बैन किया जा रहा है, ईंधन का रेट बढ़ रहा है, सीएनजी 45 रुपए थी, आज 90 रुपए है जी। ठीक है जी, अनलिमिटेड डिमांड है। थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी में हमारे टेंडर दिए हुए हैं, उनको आप लाखों टन ब्रिकेट आज दे दो, पर डे दे दो। सही बात, तो ये छोटी सी शुरुआत 50 लाख रुपए 100 एकड़ से पर ईयर आपकी ग्राम पंचायत को आएगा, तो आप ऊपर एमएलए जुट नहीं है गवर्नमेंट से लेने की, आप ऊपर आपके सीएम या आपके पीएम का मुंह देखने जाओगे कि मेरी ग्राम पंचायत का विकास करना है, पंचायत राज की दूती कहां पड़ रही है, जरूरत नहीं है ना। पंचायत सक्षम हम बोलते हैं सेल्फ और हेल्प। पूरे भारत की ग्राम पंचायतें आकर ओटू से जुड़ सकती है, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दोनों के जेवी साइन करके। मैंने बताया कि डायरेक्ट बांस काट के बेचो। अब अगर आपकी ग्राम पंचायत बोलती है कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, तो उसका वैल्यू एडिशन होता है, वहीं की महिलाएं, वहीं के बच्चे, वहाँ के आपके लड़के वहाँ पर रोजगार करेंगे, हम खुद वहाँ पर रोजगार करेंगे, तो वहाँ पर इंडस्ट्री हस्तकला की लग सकती है। पूरा गाँव अगर गोद आना चाहे तो हम पूरे गाँव को गोद ले सकते हैं। ये सारी बातें आप ग्राम पंचायत के सामने रखोगे, गोदी हम ले सकते हैं कि ग्राम पंचायत की बैरन लैंड पर हम अब ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं। गोद लेना मतलब हम ऑक्सीजन पार्क बना रहे हैं, ऑटो पार्क। अभी हमने आपकी बैरन लैंड में बांस लगाया, अब हम बात करें हम ऑक्सीजन पार्क लगा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत की जितनी जमीन है सब पर बेम्बू, और जो किसान है, जो किसान उस गांव के हैं, उनकी बाउंड्री पर बेम्बू, ताकि वो अगर गूगल अर्थ से भी देखे तो पूरा गांव ही बेम्बू का दिखे। इसको कहते हैं गोद लेना, और उसमें टूरिज्म हम इनवाइट करते हैं। टूरिज्म बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन पार्क में टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म हम इनवाइट करते हैं। वहां पर नेचुरोथेरेपी, हीलिंग, प्राणी संरक्षण, आयुर्वेदा, गुरुकुलम, सभी तरह की थेरेपी, मतलब कोई भी बीमार उस गांव में अगर आएगा तो ठीक होकर जाएगा। थैंक यू सर, दिस इज द ऑक्सीजन पार्क। थैंक यू। इसको कहते हैं गांव को गोद लेना। तो उन किसानों को पौधे अवेलेबल कराना, उनसे खेती कराना, अगर वो गांव पूरा गोदी आ रहा है तो हम उस किसान से और उस ग्राम पंचायत से 1 रुपया नहीं लेंगे। सारे पौधे हमारी तरफ से जाएंगे, गाइडलाइन हमारी तरफ से जाएगी, उसको केवल उसके खेत में काम करना है। बहुत बढ़िया, पानी देना है, उसके खेत में काम करना है, और जो बांस खड़ा कर रहा है उसको काट कर हमें ही दे देना है। थैंक यू सर, बढ़िया। तो जिस दिन बांस कट के आएगा उस दिन पौधों का पैसा कटेगा, उस दिन जो हमने पैसा लगाया वो कटेगा। अब वहाँ 100 एकड़ है या 1 लाख एकड़ है, ठीक है सर, ओटू पार्क पूरे में जाने के लिए रेडी है। इसको कहते हैं गांव को गोद लेना, ये होता है ओटू दान। ये ऑक्सीजन पार्क एक वर्टिकल है, जो आप हमारे प्रेजेंटेशन के 7 वर्टिकल्स पढ़ोगे ना उसमें आएगा। सेल्फ और हेल्प एक हो गया, अब हो गया ओटू दान। आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास जो मोटरसाइकिल है वो कितना ऑक्सीजन चूसती है? नहीं सोचा। जैसे अभी हम कार में बैठ के आए, इसका 2000 cc का इंजन है, मैं दिन भर इसको ड्राइव करता हूँ, तो कितना ऑक्सीजन चूसती है? आपके पास बाइक कौन सा है? ईंधन जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। स्पेंडल पर प्लस 110 cc का इंजन है उसका, 110 cc को 8 घंटे डेली चलाओ और 30 दिन तक चलाओ, उसको R&D निकालोगे ना, तो आपका जीवन जो 70 साल के एक में एवरेज एज ले रहा हूँ, आप तो 100 साल ज्यादा जियोगे। 70 साल के जीवन में, 70 साल के जीवन में जो आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन जितना एक आदमी को चाहिए 70 साल के जीवन में, उतनी आपकी बाइक 1 महीने में 8 घंटे चलने पे पी जाती है। ये लो भैया, तो कभी ये सोचा है कि मैं प्रकृति का ऑक्सीजन तो पी रहा हूँ, मैं खुद भी पी रहा हूँ, मेरी कार भी पी रही है, कितना बड़ा दोहन हो रहा है साहब, बताओ। मेरी बाइक भी पी रही है, कोई देख नहीं रहा है। मैं क्या ओटू दान कर पा रहा हूँ? नहीं कर पा रहा। तो एक ऑक्सीजन पार्क का एक वर्टिकल है ओटू दान जी सर, उसमें हम जो पब्लिक कहती है कि मेरा R&D करो, मेरे घर का R&D करो, मेरे सिस्टम का R&D करो कि मैं कितना प्रकृति से ऑक्सीजन दहन कर रहा हूँ, तो हम उनके घर का ऑडिट करते हैं और उनको सजेशन करते हैं कि आप प्रकृति को ऑक्सीजन कैसा दो। जैसे कि ये हमने एक वेंचर किया है, यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी लगे थे, यहाँ कई सारे लोगों ने अपना ओटू दान किया है, पेड़ दान दिए, किसी ने ड्रिप दान दिए,
घर का ऑडिट कैसे होता है वो मैं समझाता हूँ। जैसे आपने एप्लीकेशन दिया ऑक्सीजन पार्क में कि भैया मुझे समझना है कि मैं और मेरा परिवार और मेरा घर कितना पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, ठीक है सर, तो हम आपका ऑडिट करेंगे, आप कौन, कितने, कहाँ, क्या यूज़ करते हैं, घर कितना लंबा चौड़ा है, छत कैसी है, उसमें एसी कितना लगा है, पंखे कितने लगे, टीवी कितना लगा है, फ्रिज कितना लगा है, तो इसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, एक पूरा एनालिस्टिक रिपोर्ट बनती है। जैसे आपका घर 20x40 में है, 600 स्क्वायर फीट हुआ, ठीक है, अब 600 स्क्वायर फीट में हर साल पानी गिरता है तो वो तो बह के निकल जाता है, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती नहीं 600 स्क्वायर फीट में। हम केवल एक ही बात समझे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही गाड़ियां, बस इसके अलावा कुछ समझे नहीं, कुछ इसके अलावा भी दुनिया है, बारिश हो रही है तो क्या बारिश का पानी नीचे जा रहा है, आपने क्या वाटर क्रेडिट समझा है, नहीं समझा। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास हमने सीमेंट कंक्रीट करा दिया है तो वहाँ मिट्टी डस्ट बैक्टीरिया नहीं है, इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, ये दूसरा वर्टिकल है। हमारे घर में अगर एक एसी लगा हुआ है जी, वो एसी कितना पर्यावरण का नुकसान कर रहा है क्या ये हमने समझा है। हमारे घर में 3 मोटरसाइकिल है, एक कार है, वो दिन भर में कितना ऑक्सीजन चूसती है, आपकी कैपेसिटी कितना, आपकी ट्रेवलिंग करने की, एक महीने में कितने किलोमीटर चलते हो। केवल इतना ही नहीं है, हमने देश का नुकसान किया है कि पेट्रोल डीजल जला करके जो इम्पोर्ट हो रहा है, हमारा सारा पैसा एक्सपोर्ट हो रहा है, पेट्रोल डीजल इम्पोर्ट हो रहा है, हमारे देश का पैसा एक्सपोर्ट हो रहा है, इसीलिए आज 81 रुपए का डॉलर है। बिल्कुल, जितना हमारा पैसा एक्सपोर्ट होना कम करेंगे उतना हम डॉलर को कम कर पाएंगे और हमारा रुपया मजबूत कर पाएंगे। इसका एक ऑडिट बनता है कि आपके एसी ने इतना चूसा, इतना किया, तो आपके पर डे का कंजम्पशन ऑक्सीजन का इतना है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना आप ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ रहे हो, अब इसको न्यूट्रल करने के लिए आपके टेरिस पर कौन से पेड़ पौधे लगाओ, आपकी बालकनी में कौन से पेड़ पौधे लगाओ, आप घर में कौन सी गिलकी लगाओगे ताकि आप नेचुरल गिलकी खा लो और उससे ऑक्सीजन कितना आए, ताकि आपका एसी जो ऑक्सीजन चूस रहा है वो ऑक्सीजन आप खुद ही प्रोड्यूस कर लो। बात छोटी सी है लेकिन इसको बोलते हैं ओटू दान, कि आप जो कर रहे हो वो प्रकृति को कितना दे रहे हो, खुश कर लो। मैंने एक उदाहरण दिया है कि ऑक्सीजन पार्क के कितने वर्टिकल हैं और एक एक वर्टिकल अपने आप में यूज है। जब आपका गांव, अगर पूरा का पूरा गांव ऑक्सीजन पार्क के पास गोदी आ रहा है तो वहां पर हम एबीसी रिट्रीट बनाएंगे। एबीसी रिट्रीट का मतलब है अद्वैकम बोधि चेतनम, अद्वैकम बोधि चेतनम मतलब एक अद्वितीय दुनिया जहां पर जाकर अगर मैं रहूं तो मेरी बुद्धि, तन, मन का, चेतना का एक अलग तरीके से विकास हुआ। दिस इज एबीसी रिट्रीट। एबीसी रिट्रीट में आयुर्वेदा है, गुरुकुलम है, नेचुरोथेरेपी है, प्राणी हीलिंग है, सभी तरह का है, रिसोर्ट्स है, और वहाँ पर पूरे दुनिया के व्यक्तियों को हम इनवाइट करते हैं, आप आइए, आपके लिए शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा, शुद्ध खान पान यहाँ पर है, एज ए टूरिज्म प्लेस दिस इज ऑक्सीजन पार्क, एग्रो टूरिज्म। हमारे गांव में सब अभी टूरिज्म घोषित हो जाएगा शायद, 2 करोड़ मिल भी गए, घोषित हो या ना हो, अगर वहाँ ऑक्सीजन पार्क बन रहा है तो हम खुद ही टूरिस्ट को लेके आएंगे। बिल्कुल जी, हमारे गढ़मोरा के लिए 2 करोड़ मिल भी गए, वहाँ पर जो महल है ना करा उनको सही करने के लिए, वहाँ पर सड़क जाने के लिए 2 करोड़ मिल भी गए उनके लिए और काम चल भी रहा है प्रेजेंट। मैं एक छोटी सी बात बताऊँ कि एबीसी रिट्रीट में हमारा जो आयुर्वेदा का एक वर्टिकल है, आयुर्वेदा के वर्टिकल में अगर आप लोगों ने सुना होगा कि आयुर्वेदा हमारे पुराने जमाने का सबसे बेहतर एक ट्रीटमेंट, इलाज करने का एक जरिया था हमारी बॉडी को ठीक करने का। तो आयुर्वेदा में एक हमारा वर्टिकल है, मैं आपके माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाह रहा हूँ कि जो ओटू पार्क में आयुर्वेदा में एक वर्टिकल है वो आप सुनिए ढंग से। आपकी उम्र कितनी की, एज कितनी आपकी? 38। हाँ जी, व्हाइट व्हाइट सफ़ेद सफ़ेद काफ़ी दिख रहे हैं, बाल भी निकल गए हैं, झुर्रियाँ भी हैं, हल्की फुल्की कालापन भी है। आप जब आयुर्वेदा ओटू में आएंगे तो उसमें एक वर्टिकल है कुटी प्रवेशिका। कुटी प्रवेशिका में आप अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें आपकी बॉडी का पूरा डॉक्टर एनालिसिस करेंगे और एक चार्ट बना कर देंगे कि आपकी बॉडी आज इस तरह की है, तो हम इतने साल आपको रिवर्स कर सकते हैं। आप 38 के हैं, आपको 52 का बना सकते हैं, 58 का बना सकते हैं, 32 का बना सकते हैं। पहले आपकी बॉडी का एनालिसिस होगा कि चमड़ी की, स्किन के रेशे कितने हैं, झुर्रियाँ कितनी हैं, आपके मोटाबॉलिज्म कैसा है। उस वर्टिकल का नाम है
कुटी प्रवेशिका, कुटी प्रवेशिका जैसे बच्चा अपने माँ के पेट की पोतली में रहता है, ठीक है, सात पूड़ों की कोठरी बनती है, उसके अंदर ही रहना है। और वो डॉक्टर हमें सजेस्ट करेंगे, जो हमारे आयुर्वेदा डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करेंगे कि ज्ञान सिंह जी की बॉडी का फीडबैक ये है तो ये 10 साल रिवर्स हो सकते हैं और इनके लिए इतने दिन का ट्रीटमेंट होगा। ये हिंदुस्तान के लिए नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड। तो पूरे विश्व से हमारे पास इसके कुटी प्रवेशिका के लिए आ रहे हैं और जिनका 6-6 महीने साल साल भर का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है कि हमारे पास इतना बुकिंग है कि हम उनको मना कर रहे हैं अभी। और 1 साल रिवर्स करने का मात्र 3 लाख रुपए की फीस है। आपको 5 साल रिवर्स होना है, बैग जाना है, बैग जाना है, 32 बनना है, 15 लाख रुपए की आपकी फीस है। करीब 21 दिन आपको कुटी प्रवेशिका का पूरा कोर्स दिया जाएगा और निकलने के बाद आप बाहर आओगे तो आप खुद बोलोगे कि हाँ मुझे रिवर्स फील हो रहा है। आपका फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट एनालिस्टिक होगा कि पहली रिपोर्टें क्या है, अभी की रिपोर्टें क्या है, आपकी चमड़ी, स्किन, रोम रोम, आपके पुराने अनुभव आप खुद बोलोगे, सही बात है। तो हम आपसे फीस लेंगे। एक छोटा वर्टिकल बताया, इस तरह का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार का इलाज करने के लिए काफी सारे भतरे मेरे डॉक्टर मित्र हैं, वो करेंगे। हम जो पब्लिक को रियल देना चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तान, वर्ल्ड को हम जो रियल देना चाहते हैं, हमारा हिंदुस्तान है क्या? दिस इज O2 एंड कुटी प्रवेशिका। ऐसे छोटे छोटे वर्टिकल हैं जो हम सेल्फ हेल्प और O2 दान और इसके तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप मित्र यहाँ पर सभी आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ये जानकारी आपने हमको दी। और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक हम नए जीवन में नई शुरुआत करना सहयोग हो, क्योंकि मैं तो अपने आपको पहले तो बुढ़ा महसूस करता था, लेकिन आप जवान जवान है भाई, हम जवान है, यहाँ से फीलिंग चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, संदेश भी देना चाह रहा हूँ कि हम चले हैं राजस्थान को बचाने, हम राजस्थान को बचाएंगे, ये हमारा संकल्प है हमारा। बहुत अच्छा। एक्चुअली ज्ञान सिंह जी आपकी बात बहुत सही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति ने सोचना चाहिए कि मैं कहाँ ठीक हो सकता हूँ, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप खुद से शुरुआत करें। अगर आप स्लोगन फेसबुक पर या मेरे व्हाट्सएप टैग पर कहीं पर भी पढ़ेंगे तो मैं एक ही बात मेरे खुद के लिए समझता हूँ कि खुद को ठीक कर रहा हूँ, इसलिए हमेशा सीखता रहता हूँ। ठीक है, ठीक। अगर हमें सीखने की प्रवृत्ति है तो खुद कहाँ गलत है उसको जानते रहो और उसको ठीक करते रहो, बाकी देश, दुनिया, राजस्थान, MP सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।